हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9। अभी एज एन एग्जांपल यहाँ से हमारा बाकी था, बराबर लास्ट वीडियो में यहाँ से बाकी था हमारा। एज एन एग्जांपल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स दैट कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज, राइट। बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक करने वाली एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टेरिया। मैनी बैक्टेरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो सेल वॉल बनाते हैं जिससे उनका खुद का प्रोटेक्शन होता है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल प्रोसेसेस को ब्लॉक कर देता है। दैट बिल्ड द सेल वॉल्स, राइट। और उसकी वजह से क्या बनेगा, सेल वॉल बनेगा। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम्स अनेबल टू मेक सेल वॉल्स। और उसकी वजह से जो ग्रोइंग बैक्टीरिया है वो सेल वॉल बनाने में क्या हो जाएंगे, अनेबल हो जाएंगे एंड डाई इजीली, और इजीली मर जाएंगे। ह्यूमन सेल्स डू नॉट मेक सेल वॉल एनीवे। ह्यूमन सेल्स जो है वो कभी भी सेल वॉल बनाते नहीं है, कैसे भी नहीं बनाते। सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफॉर्ट ऑन अस। तो पेनिसिलिन इसकी वजह से हमारे पर कोई असर करता नहीं है। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टेरिया that use such processes for making cell walls. तो पेनिसिलिन सेल वॉल बनाता है, राइट, और वो बैक्टीरिया पर असर करता है। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीसीज। तो ऐसे ही बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है जो बहुत सारी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया पर काम करती है, rather than simply working against one, right? और उनके अगेंस्ट में काम नहीं करती है। Then, but viruses do not use these pathways at all. लेकिन viruses जो है वो ये pathways का use नहीं करते, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infection. और उसकी वजह से antibiotics viral infection पर काम नहीं करता। If we have common cold, taking antibiotics does not reduce the severity or the duration of the disease. Right? अगर हमें सर्दी हो गई है और हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो उसके जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर और उस कितने टाइम पर उसकी इफ़ेक्ट रहती है उसके ऊपर कोई असर करेगा नहीं। हाउएवर इफ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द वायरल कोल्ड, राइट, वायरल कोल्ड के साथ अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प। तो एंटीबायोटिक लेंगे तो काम होगा, राइट। Even then, the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection. और ऐसे वक्त में भी एंटीबायोटिक किस पर काम करेगा, इन्फेक्शन का जो बैक्टीरियल पार्ट है उसी के ऊपर काम करेगा, नॉट द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन पर वो काम करेगा नहीं, कौन नहीं करेगा, एंटीबायोटिक। देन मीन्स ऑफ स्प्रेड, मतलब कौन कौन सी साधनों से वो स्प्रेड होता है। हाउ डू इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड, तो इन्फेक्शियस डिसीज कैसे फैलते हैं। मैनी माइक्रोबायल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन वेराइटी ऑफ वेज। तो माइक्रोबायल एजेंट्स है, छोटे छोटे एजेंट्स, वो इफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स, मतलब जो इफेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे पर्सन पर वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं। In other words, they can be communicated and so are called communicable disease, right? तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो फैलते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं communicable disease. Such disease causing microbes can spread through the air. तो ऐसे disease microbes पैदा करते हैं और वो spread से air से spread होते हैं. This occurs through the little droplets thrown out by an infected person. राइट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से वो फैलते हैं। पर्सन हुज नीजीज और कफ्स, राइट, जो छींक खाता है या तो थूकता है, राइट, कफ किसी का अगर उड़ता है तो उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट फैलने की वजह से भी वो डिसीज होते हैं। सम स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीद इन दिस ड्रॉपलेट्स and microbes get a chance to start new infection, right? Someone standing close by can breathe in some
ड्रॉपलेट्स राइट। कोई अगर जिसने कफिंग या स्नीजिंग किया उसके नज़दीक में खड़ा है और उसके ड्रॉपलेट्स दूसरे को लगे राइट, तो उसको इन्फेक्शन चालू हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे डिसीज कौन कौन से है? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो किसकी वजह से फैलते हैं? कफिंग एंड स्नीजिंग राइट। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल जाते हैं। वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड राइट। किसी को सर्दी है और उसके बाजू में बैठे होते हम, ऐसे एक्सपीरियंस हमने बहुत सारी बार किए एंड कैचिंग इट अवर सेल्फ राइट। तो उसकी सर्दी फिर हमें लगती है। ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड अवर लिविंग कंडीशंस आर द मोर लाइकली राइट। और हम बहुत एक दूसरे के नज़दीक में रहते हैं उसकी वजह से ये स्प्रेड होते हैं। द मोर लाइकली इट इज़ दैट सच एयरबॉर्न डिसीज विल स्प्रेड राइट। तो उसकी वजह से ये जो हवा से फैलने वाले डिसीज है वो फैल जाते हैं। देन डिसीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, तो वाटर की वजह से भी डिसीज फैलते हैं। दिस अकर्स इफ द बैक्टीरिया फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिसीज सच एज कोलेरा गेट मिक्स्ड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज बाई पीपल लिविंग नियर बाई राइट। तो किसी के ड्रिंकिंग वाटर में भी ये सब मिक्स होने के बाद डिसीज फैलते हैं। कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर अ हेल्दी पर्सन राइट। कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब जो है वो हेल्दी पर्सन में एंटर होंगे थ्रू द वाटर दे ड्रिंक राइट। वो पानी पीते हैं, उनकी वजह से पानी की वजह से वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर होते हैं एंड कॉज डिसीज इन देम, और उनके अंदर वो डिसीज फैलाते हैं। कौन सा? कोलेरा। सच डिसीज आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस राइट। ऐसे डिसीज एब्सेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर उसकी वजह से फैलते हैं। द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर राइट। दो लोग का फिजिकल कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ होने की वजह से सेक्सुअल एक्ट होते हैं। नो सरप्राइजिंगली देर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस सच एज सिफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर नॉट स्प्रेड बाई कैजुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट। कैजुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट इंक्लूड हैंडशेक्स और हग्स और स्पॉट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी ऑफ द अदर वेज इन विच वी टच इच अदर सोशली राइट। अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट द वायरल कॉजिंग एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पीपल और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बाय हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग राइट। तो प्रेगनेंसी या तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी बेबी को भी डिसीज फैलता है। वी लिव एन एनवायरमेंट दैट इज फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस राइट। तो हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर हमारे सिवाय छोटे छोटे क्रिएचर्स भी हमारे आसपास होते हैं। इट इज़ इनएविटेबल दैट मैनी डिसीज विल बी ट्रांसमिटेड बाई अदर एनिमल्स राइट। तो ऐसा भी होता है कि दूसरे डिसीज जो है, बहुत सारे डिसीज जो है वो दूसरे एनिमल्स से भी फैलते हैं। दिस एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट राइट। दिस एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएटर बराबर, जो फैलाने वाले होते हैं एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स राइट। जो एनिमल की वजह से डिसीज फैलते हैं उसको हम इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं या तो फिर और उनको फिर वेक्टर्स बोलते हैं। द कॉमनेस्ट वेक्टर वी नो आर मॉस्किटोज राइट। मॉस्किटो सबके घर में जनरली होते ही है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर बैठते हैं और वो डिसीज फैलाते हैं। इन मैनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज द फीमेल्स नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन फॉर्म ऑफ ब्लड राइट।
मॉस्किटोज़ की बहुत सारी स्पीसीज़ में फीमेल को न्यूट्रिशस फूड चाहिए, और किसके फॉर्म में चाहिए, ब्लड के फॉर्म में, इन ऑर्डर टू बी एबल टू ले मैच्योर एग्स। इन मैनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज द फीमेल्स नीड हाईली न्यूट्रिशस फूड। तो मॉस्किटोज की बहुत सारी स्पीसीज है जिसको जिसमें फीमेल को हाईली न्यूट्रिशस फूड चाहिए, और वो कौन से फॉर्म में चाहिए, ब्लड के फॉर्म में, इन ऑर्डर टू बी एबल टू ले मैच्योर एग्स, और तभी वो मैच्योर एग ले कर सकेगा। मॉस्किटोज फीड ऑन मैनी वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स। मॉस्किटोज जो है वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड पीते हैं, इंक्लूडिंग अस, राइट, और उसमें हम भी आते हैं। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिसीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ऐसे वो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।